जनता पार्टी की जो है, जो इलेक्शन सरासर सीधे सीधे हार गए हैं और इनको सही जगह नहीं मिल रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जिस तरह के काम हो रहे हैं उनको देख करके इनको समझ में आ रहा है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। चाहे मैं कहता हूं, मैं मामूली चीजें लेता हूं कि कौन सा राज्य देश में ऐसा है जो बता दे कि हमने फ्लाईओवर समय से पहले बना दिया और फ्लाईओवर बनाने में पैसे भी 500 करोड़ रुपए बचा दिए। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने प्राइवेट स्कूलों की फीस उठा के रिफंड करवा दी हो पेरेंट्स को इस तरह के, और पानी बिजली और जो स्कूल है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं। ऐसे काम कर करके इनके नाक में दम हो गया है। ये आपने आके देखा या विज्ञापन देख के बता रहे हैं? जवाब किस तरह से दे? नहीं, मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा विज्ञापन देख के ऐसा मानते हैं या आके देखा है आपने? नहीं, देखे, मैं दिल्ली बहुत जाता हूँ और मैंने अच्छी तरह से देखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि स्कूलों की हालत नहीं सुधरी है, शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की आज, अरे भाई मैंने तो केवल इतना पूछा, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने तो केवल इतना पूछा क्योंकि आप बंबई में रहते हैं, मैंने केवल इतना पूछा आपने आके देखा है या विज्ञापनों से तय मान लिया इसको, क्योंकि ये विज्ञापनों में खूब आता है यहाँ, मुंबई तक भी आता ही है। मैं पार्टी का फाउंडर हूँ। 8 साल और 4 महीने पहले हमने 320 लोगों ने ये पार्टी खड़ी की थी और आइडियोलॉजिकली मैं आज भी आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, वैसे निकाल दिए गए बाकी बहुत सारे फाउंडर्स की तरह? मैं निकाल नहीं दिया गया हूँ, ये भी आप सुनिश्चित कर ले, मुझे कहीं निकाला नहीं गया है। मैं अपनी इच्छा से जिसका चाहता हूँ समर्थन करता हूँ। मुझे आम आदमी पार्टी के कुछ एक चीजों पर नहीं, उनके संग मेरी सहमति है, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2018 की जुलाई में अधिकार क्षेत्र जिसके अंदर पुलिस लैंड और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके बाकी सब चीजों की अथॉरिटी राज्य के मुख्यमंत्री को दे दी थी, तो उसके बाद इस तरह का संशोधन करना एक तरीके से अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दिल्ली का राज्य दे देना शर्मनाक है और ये संविधान की हत्या है और ये देश के प्रजातंत्र की हत्या है, मैं तो ये कहूंगा। और इसके लिए आम आदमी पार्टी को जहां तक हो सके सड़क से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक ये लड़ाई लड़नी चाहिए। उच्चतम न्यायालय जा रहे हो, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री काम करेगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा, जो अनइलेक्टेड बिना चुना हुआ बिना जिम्मेदारी का आदमी है। ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। आलोक जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सहगल साहब से पूछते हैं इसका मतलब क्या वही है जैसा रवि जी बता रहे हैं। बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है रोहित जी, पूरी तरह से आज केंद्र सरकार ने जिस तरह से सेक्शन 44 जो 1991 का एक्ट है उसमें बदलाव किया है, और उसमें बदलाव का क्या किया है कि जो भी सरकार काम करेगी दिल्ली की उसके लिए आपको एलजी से राय लेनी होगी, और एलजी की राय शब्द है वहां पर, और राय बाध्यकारी है। मुझे लगता है कि एलजी को हर तरह से सुपीरियर कर दिया, जबकि जुलाई 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें स्पष्ट तौर पर था कि एलजी से राय नहीं ली जाएगी, केवल सूचित किया जाएगा। और आप ये देखिए कि आप आज एक सरकार कोई बिल पास करती है या कोई भी रूल लेकर आती है, एलजी महोदय अगर उस पर राय देने में, मंजूरी देने में देर लगाते हैं तो उसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। जब तक राय नहीं आएगी या मंजूरी नहीं आएगी या पॉजिटिव राय नहीं आएगी, तब तक दिल्ली के जो लोग हैं वो उस कानून के तहत नहीं आ पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस व्यक्ति को 62, 63 और 67 सीटें मिली हों, उस सीएम ने अगर केंद्र सरकार के सामने राजनीतिक तौर पर घुटने टेक दिए हों तभी ऐसा होता है। इससे और विवाद क्या पैदा होगा? मान लीजिए एलजी ने उनके ऊपर राय पॉजिटिव भी दे दी और केंद्र सरकार दूसरी है और वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि वो कानून लागू हो, अधिकारी क्योंकि मैक्सिमम एलजी के अंडर हैं, केंद्र सरकार के जितने आईएएस आईपीएस और डायरेक्ट ऑफिसर हैं वो सब एलजी के अंडर आते हैं, तो वहां पर उनके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी और तमाम तरह के विवाद बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ही की बात से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर ऐसा ही होता है या होना होता, आपने तो खुद सरकारें चलाई हैं केंद्र में भी दिल्ली में भी, तो फिर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पूरा क्लासिफिकेशन, ये सब करने की जरूरत क्या थी? जब मर्जी अधिकारियों के तरीके से मोड़ो और अपने हिसाब से काम करा लो। अगर आपके हिसाब से देखिए, मुझे रोहित जी, अभी जो सेक्शन 44 में चेंज किया है 1991 के एक्ट में, वो यही हो रहा है जो आप कहेंगे, जो कह रहे हैं आप, कि अधिकारी जो चाहेंगे एलजी के माध्यम से करेंगे।
और विवाद बढ़ेगा तमाम चीजों पर, तमाम इश्यूज पे, क्योंकि एलजी की मंजूरी जो है उसकी कोई समय सीमा नहीं है और राय जो है वो दिल्ली की सरकार पर बाध्यकारी। चलिए अधिकारियों की राय भी आनी चाहिए, सरकार ने पता लगे केजरीवाल सरकार ने जो केंद्र सरकार के सामने सरेंडर किया हुआ है उनके इशारे पर पूरा भाषण आपका केजरीवाल के समर्थन में था, अंत में आपने कह दिया कि केजरीवाल के घुटने केजरीवाल ने टेक दिए हैं क्योंकि आपको लगा कि कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए, लोग ये ना सोचने लगे कि कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ हैं। रोहित संसद में आपने खुल के विरोध किया है ना, वहां तो नहीं बोला आपने कि केजरीवाल ने घुटने टेक रखे हैं, संसद में तो नहीं कहा आपने। जो बदलाव हुआ है सेक्शन 44 में उसका बिल्कुल हर तरह से विरोध करते हैं,